हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सब्जेक्ट अपना चल रहा है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ. आज सेक्शन बी का लास्ट टॉपिक जो मैं थोड़ा तो कवर करवा जा रही हूँ. इस तो बाद अपना ये टॉपिक है खत्म हो जूगा. तो इस वीडियो के नाल जी पीडीएफ फाइल है वो मैं नाल अटैच कर दाँगी ताकि तुसी डाउनलोड करके जिन्होंने नोट्स की जरूरत है उन्होंने पढ़ सको. कल आप सिक्ख्या का योगदान कर रहे थे उन्होंने अच्छ आप कंटिन्यू करा. सिक्ख्या किस तरह योगदान निभाती है एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन के या एक बंदे वधिया जीवन जीन के आप व्यवसायिक योग्यता जी लास्ट की सी. अच्छ आप 14 पॉइंट कर रहे हैं संसारी खुशहाली की प्राप्ति अचीवमेंट ऑफ मटीरियल प्रोस्पैरिटी. उसके अलावा कहते सिक्ख्या आपको किसी भी किस्म की संसारी खुशहाली की प्राप्ति करने हेल्प करती है. संसारी खुशहाली मतलब की है मटीरियलिस्टिक चीज़ा अचीव करने अपनी हेल्प करती है. मटीरियलिस्टिक चीज़ा की होगी एक वधिया घर एक वधिया लिविंग थिंग्स जी आपको चाहिए है एक कोई लग्जरी कार या कुछ जो भी अपन डेली नेसेसिटीज है वो आपको प्राप्त करने के काफ़ी ये हेल्पफुल रही है. 15 ये स्वय योग्यता की प्राप्ति अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशेंसी. उस तो इलावा खुद को आपके आप को पूरा महसूस करोगे इफ यू गैट अ एजुकेशन. जो आप एजुकेशन मिल जाती है ना तो आप खुद के ही अं सोचते हैं भी मैं पूरा हो चुके हैं या आपको भी मैं समाज के विचरण के योग हो चुके हैं. तो एक सेल्फ सफिशेंसी की जी भावना वो भी सिक्ख्या प्राप्त करने के अपनी काफ़ी हेल्पफुल रही है. चरित्र का विकास डिवेलपमेंट ऑफ करैक्टर. उस तरह का करैक्टर बिल्डिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. किसी किस्म का करैक्टर मतलब अपनी एक ऑलराउंड डिवेलपमेंट के नाल आपको एक वधिया करैक्टर एक वधिया चरित्र के निर्माण करने के हेल्पफुल है. 17 तजर्बियां का पुनर्गठन पुनर्निर्माण री ऑर्गेनाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसिस. उस तो इलावा सिक्ख्या आपां नूं अपने जिहड़े कुछ एक्सपीरियंसिस है उन्हां तों सीखण दी उन्हां तों उन्हां नूं दुबारा तजर्बियां नूं मुहैया कराउण दी जिहड़ी हैगी है उहदे विच काफ़ी ज़्यादा मदद करती है. उदू बाद लास्ट कंसैप्ट के आ गया शांति की धारणा कंसैप्ट ऑफ पीस. कंसैप्ट ऑफ पीस की है. पीस इज़ अ ब्रॉड कंसैप्ट विद प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल कोनोटेशन. इट इंप्लाइज अ स्टेट ऑफ इनर काम एंड एंड ऑफ कंफ्लिक्ट. कहते पीस की है. पीस बहुत वड्डा कंसैप्ट है. शांति शांति का मतलब होंगे भी जो अपन स्पिरिचुअल जो अपनी आत्मा शांत है तो आप बाहरों भी शांत रहेंगे. कहते यह मतलब होंगे अपना अंदरूनी शांति जी अपनी आपको मिल गई है तो एंड ऑफ कंफ्लिक्ट जो भी अपने अंदर उधेड़ बुन चल रही होंगे उन्होंने आप खात्मा कर देने जो अपन पीस ऑफ माइंड मिल जाता है. पीस हैज बीन अंडरस्टूड टू मीन द एबसेंस ऑफ कंफ्लिक्ट और वॉयलेंस एंड कन्वर्जली एज द प्रेजेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड इन सोसाइटी सच एज हारमोनी सिक्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. कहते पीस में जो आप शांति को डिफाइन करना हो आप की कहेंगे एंड ऑफ कंफ्लिक्ट. किसी भी तरह के झगड़े किसी भी तरह दावनावान गलत भावनावान का खात्मा हो जाता है. अपने जी वॉयलेंस होंगी है ना मतलब किसी चीज़ों में कि गुस्सा आना इरीटेशन होंगी वो खत्म हो जाता है. उस तो इलावा अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है और सोसायटी लिए की बन जाता है वधिया बन जाता है. तो आप एक सोसायटी समझते हैं आपने आप सिक्योर फील करते हैं तो दूजे दावनावान समझने भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है. दस पीस हैज बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव कोनोटेशन. कहते जो पीस ऑफ माइंड है इट्स अ बोथ पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव एंड नैगेटिव. देखेंगे किमें किमें होंगे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की पैंते हैं नैगेटिव की पैंते हैं. शांति की सिक्ख्या का मतलब सिक्ख्या की दृष्टि तो शांति बनाने सहयोग देना है. शांति की सिक्ख्या सिर्फ जीने लिए सिखलाई देना नहीं सगो जीवन की ही सिक्ख्या. शांति लिए सिक्ख्या का मतलब की है. शांति जी आप एजुकेशन एक अपने पीस ऑफ माइंड के कनैक्ट करिए तो मतलब है भी आप इस तरह की जिंदगी एक शांति इनर जी हैगी है आपू पीस मिलना ठीक है. तो सिक्ख्या ही ग्रहण करने के आपको काफ़ी हेल्पफुल रही है. सिक्ख्या सिर्फ सिखलाई नहीं भी किसी चीज़ की एजुकेशन ले ली ट्रेनिंग ले ली सिर्फ वो नहीं आप सिक्ख्या सिखलाई में जिंदगी दे विच किस तरह निभा सकते हैं उस चीज़ बारे आपको दसदा है. शांति सिक्ख्या के सिद्धांत की है. प्रिंसीपल ऑफ पीस एजुकेशन की है. सब तो पहला है हमदर्दी सहयोग अते होंद कंपैशन कोऑपरेशन एंड को एग्जिस्टेंस. हुण कहिंदा प्रिंसीपल ऑफ पीस ऑफ एजुकेशन दे विच आपां नूं की इहदा बेसिक टारगेट की हुंदा है. आपां नूं किसी चीज़ दूसरे प्रति हमदर्दी की भावना रखना सहयोग की भावना रखना तो होंद मतलब दूसरों नूं अपनी होंद जिहड़ी है दिखानी भी जिते किसी नूं कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी व्यक्ति दे नाल खड़े होना इन्हां चीज़ों के सिद्धांतों बारे आपां नूं इहदे विच जानकारी. सैकेंड कोर्स विषय से संवाद करिकुलम कंटेंट्स एंड डायलॉग. उस अलावा सिक्ख्या एक आपका एक जो आप एजुकेशन लें आपका एक करिकुलम होंगे आपके कोर्स होंगे उस कोर्स के कंटेंट्स होंगे डायलॉग होंगे सारिया चीज़ों के मिक्सचर नाल ही अपना जो पूरा संवाद जोड़ा है वो बनता है. तो यह सारिया चीज़ों के पाई जा. थर्ड आया इन्हें स्वय ज्ञान सैल्फ नॉलेज देने दे काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल होंगे आप आपू जो आप सिक्ख्या ग्रहण करते हैं जो अंदरों मन शांत है तो सिक्ख्या ग्रहण कर रहे हैं पीस ऑफ माइंड है अपने को एक आपके आपू नॉलेज देने दे ही अपने को तसली मिल जाए तो एक आप वधिया किस्म की नॉलेज जी गेन कर सकते हैं. फोर्थ इज पूर्णता
हॉलीज्म क्या है इंग्लिश, जो अपना पूर्ण हो जाने है, मतलब है ना पीस ऑफ माइंड हो गया अपना, स्टेट ऑफ माइंड सही है, चीजा नु जदों ग्रहण करांगे एक पूर्ण रूप विच करांगे, किसी तरह दा मतलब मन दे विच कोई भावनावां इस तरह दी नहीं रहंदियां, तो एक अपने आप नु पूर्ण करन दे विच काफी ज्यादा हेल्पफुल है। फिफ्थ, कदरां कीमतां दी उत्पत्ति, वैल्यू फॉर्मेशन, आपां नु मॉरल वैल्यूज दियां किस तरह फॉर्मेशन होएगी उहदे विच अपने लिए काफी हेल्पफुल रहिंदा है, आपां किस तरह समाज दे विच विचरना है, वड्डियां नाल किवें बिहेव करना है, छोटे बच्चे नाल किवें बिहेव करना है, एक अपनियां कल्चर नु किवें संभाल के रखना है, वो सारी चीजें दी फॉर्मेशन करन दे विच काफी हेल्पफुल रहिंदा है। हुण इहदे विच तिन्न व्यक्तियां दे रोल पाए जांदे, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ प्रिंसीपल एंड रोल ऑफ पेरेंट्स। इन्हां दी देखो महत्वपूर्ण भूमिका रहिंदी है। टीचर दी जे आपां पेरेंट्स दी लईए, सब तों पहला भूमिका हुंदी है पेरेंट्स दी, क्योंकि बच्चा घर परिवार दे विच जन्म लैंदा है, पहला इन्फ्लुएंस जो बच्चे दे हुंदा उहदे पेरेंट्स दा हुंदा, मापिआं दा हुंदा है, तां बहुत सारीआं चीज़ां दी जिहड़ी पीस ऑफ माइंड जां आपां कह सकदे स्टेट ऑफ माइंड बच्चे दी जिहड़ी स्ट्रोंग हुंदी है, उह घर तों ही हुंदी है, उह अपने पेरेंट्स तों ही करदा है। जिस तरह उन्होंने पेरेंट्स चीज़ों को लैके रिएक्ट करते हैं, उसी तरह ही बच्चा उन्होंने चीज़ों को लैके रिएक्ट करना सीखता है। रोल ऑफ टीचर, उस तो बाद देखो बच्चा स्कूल विच टीचर के संपर्क में आता है, टीचर काफ़ी हद तक बच्चों एजुकेशन देने दे विच, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने दे विच काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे है, क्योंकि बच्चा दे जिहड़ा जिंदगी दी अहम जिहड़ा समा हुंदा है ना, स्कूल विच टीचर के संपर्क में ही गुजारदा है, अपनी प्रॉब्लम्स टीचर नाल डिस्कस करदा है, तो एक करैक्टर फॉर्मेशन दे विच एक बच्चे नूं चंगी एजुकेशन गेन करन दे विच उहदे अध्यापक दी जिहड़ी हैगी है बहुत महत्वपूर्ण स्थान जिहड़ा पाया जांदा है। रोल ऑफ प्रिंसीपल, प्रिंसीपल दी भी एक बहुत वड्डी भूमिका रहिंदी है। देखो प्रिंसीपल दा अहुदा जिहड़ा वड्डा हुंदा है, ते समझ सूझ बूझ भी ज़्यादा होंगी है, तो एक सारियां नूं इकट्ठे लैके किवें चलना है, किस तरह का डिसिपलिन बच्चों नूं सिखाना है, कि एक्टिविटी स्कूल दे विच लागू करनी है जिन्हां नाल बच्चों का भला हो सके, ते बच्चे जिंदगी दे विच अगे वध सकन, मॉरल वैल्यू डिवेलप कर सकन, सोसाइटी दे विच एक योग व्यक्ति दे रूप में सामने आ सकन, तो प्रिंसीपल भी इन्हां चीज़ों के एक महत्वपूर्ण भूमिका जिहड़ी आपां नूं वेखण नूं मिलदी है। तो स्टूडेंट अज्ज दे नाल ही तुहाडा ये जो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वो खत्म हुंदा हैगा। आई होप तुहानूं सब्जेक्ट जिहड़ा चंगी तरह समझ आ गया होगा। स्टिल जे तुहाडे कोई डाउट हैगे तो स्टूडेंट तुसीं कमेंट बॉक्स विच आपदे डाउट छड्ड सकदे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।